नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणतंत्र दिवस के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे आप अपना मोबाइल नंबर और नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कर लें। तो देखिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले इस पिक्सेल वेब की आवश्यकता होगी, जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके मोबाइल में पिक्सेल वेब पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे आपको पहले से डाउनलोड कर रखा है, चलिए ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने मोबाइल में पिक्सेल वेब को ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट हटा देना है। इसे हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पर क्लिक करोगे, न्यू टेक्स्ट हट जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पर इस बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। नीचे बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे जाकर फ्रॉम गैली का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके फ़ोन की गैली ओपन हो जाएगी। गैली में आने के बाद आपको इस इमेज को चूज कर लेना है। मनी इमेज पहले से बना कर रखी, जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब आपको नीचे यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। चलिए, अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। इसके बाद आपको इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पहुँच के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 155 पोस्टर लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 155 पोस्टर लिख दिया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 155 पोस्टर लिखकर नीचे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर 155 पोस्टर लिखकर सर्च करोगे, आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा गणतंत्र दिवस का पोस्टर कैसे बनाए। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकेंडें चलती दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर सेकेंडें खत्म होगी, आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकेंडें खत्म हुई, डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, व्यू वाली इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। यहाँ पर आने के ऊपर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है और आपको न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर समस्त देशवासियों को लिख दिया, इस पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर ब्लैक वाला कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा आगे जाकर ए वी फॉन्ट का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक का आइकन दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसे इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे जाकर शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी आपको क्लिक करना है। इसे भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। आप यहाँ पर इसका साइज कम कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब इसे आप बड़ा करके सही से रख दीजिए। फिर से अब आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको न्यू टेक्स्ट यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है और आपको न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देने के बाद आपको यहाँ पर शुभकामनाएं लिख देना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आप इसी ए वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर रेड वाला कलर चूज कर लेना है और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको थोड़ा आगे जाकर ए वी फॉन्ट का आइकन दिखेगा। ए वी फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर से इसका फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आप यहाँ पर थोड़ा आगे जाइए। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर शैडो पर क्लिक करना है। इसे आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रोक वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसे भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है और आप यहाँ पर इसकी स्ट्रोक की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इसे बड़ा करके सही से रख दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। गैली में आने के बाद अपना जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को चूज कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस फोटो को चूज कर लिया है। अब आप अपने फोटो को इतना सेट कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इतना सेट कर लिया है, आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से हटा रखा है।
अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर टाइम नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखने के लिए फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर डबल टैप करना है और आपको न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देने का सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आप यहाँ पर इसी ए वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको फिर से थोड़ा आगे जाकर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है और फिर से इसका फॉन्ट बदल देना है। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख चुका है, इसे भी आपको यहाँ पर छोटा करके सही से लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना बताया है, इसी प्रकार आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया, इस प्रकार आपका पूरा पोस्टर बन जाएगा। अब आपको इसे सेव करने के लिए ऊपर यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देखिए पोस्टर फोन की गैलरी में सेव चुका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।